हेलो स्टूडेंट, माय सेल्फ प्रदीप सिजरिया एंड वेलकम टू क्विक इन केमिस्ट्री। तो जैसे कि हम लोग केमिकल काइनेटिक्स की स्टडी कर रहे हैं और आज के लेक्चर में मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना सिखाऊंगा जहां पर मुझे कोई रिएक्शन मैकेनिज्म दी जाएगी और उस रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू मैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फाइंड आउट करूंगा। तो आखिर रिएक्शन मैकेनिज्म मेरे पास दी जाएगी तो कैसे मैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकाल पाऊंगा। तो हमेशा जब भी हमारे पास रिएक्शन मैकेनिज्म दी जाती है तो वहां पर कहीं ना कहीं कुछ स्टेप ऐसी होती है जो फास्ट होती है और कहीं ना कहीं कुछ स्टेप ऐसी होती है जो स्लो होती है। तो मैं एक बात का जरूर ध्यान रखना है, जब भी हम लोग एक्सपेक्टेड रेट लॉ लिखेंगे तो हमेशा स्लो स्टेप से ही लिखा जाएगा। मतलब जो रेट होती है वो स्लो स्टेप से ही डिफाइन की जाती है। स्लो स्टेप ही क्या कहलाता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है। इतना हमें अपने दिमाग के अंदर रखना पड़ेगा। ओके, सो आइए अब देखते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैसे निकलेगी अगर मेरे पास रिएक्शन मैकेनिज्म दी है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है, जैसे कि मैंने बोला है कि जो रेट लॉ डिफाइन होगा, एक्सपेक्टेड रेट लॉ, वो कहां से होगा, स्लो स्टेप से होगा। और स्लो स्टेप ही क्या कहलाता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ही कहलाता है। ठीक है, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, जो रिएक्शन मैकेनिज्म दी है उसमें स्लो स्टेप कहां पर दी है, उसी से ही मैं क्या करूंगा, एक्सपेक्टेड रेट लॉ डिफाइन करूंगा। तो आइए मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ उसका। एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर मैंने ले लिया कि मेरे पास 2NO कोई मॉलिक्यूल है जो BR2 से रिएक्ट कर रहा है। तो क्या बना दिया उसने, 2NOBr इसने बना दिया। ठीक है, ये इसने बना दिया है। अब ये जो रिएक्शन है, ये इसकी जो मैकेनिज्म है कुछ स्टेप में दी गई है। तो मैंने यहाँ पर स्टेप इसकी मान ली, यहाँ पर ये मैकेनिज्म इसकी दी गई है। ये मैकेनिज्म में पहली स्टेप जो है, फर्स्ट स्टेप, यहाँ पर जो NO है वो BR2 से रिएक्ट करके ये क्या बना लेता है, NOBr2 बना लेता है इस टाइप से। ये स्टेप फर्स्ट है और ये जो स्टेप है ये क्या है, फास्ट है। ये फास्ट स्टेप हो रही है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है। स्टेप सेकंड जो है वो क्या करेगा, जो NOBr2 है, जो NOBr2 है वो क्या करता है, NO से रिएक्ट करके ठीक है, यहाँ पर कंबाइन करके ये क्या बना लेता है, 2NOBr बना लेता है। और ये क्या है, स्लो स्टेप है, ये वाली स्लो स्टेप है। अब फास्ट स्टेप और स्लो स्टेप जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो हमें क्या करना है, जैसे कि आपको बोला गया है स्लो स्टेप से ही हमें क्या करना है, एक्सपेक्टेड रेट लॉ डिफाइन करना है। तो रेट लॉ कहां से आएगा, तो रेट आर इक्वल टू रेट कांस्टेंट के। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कर लिया कि यहाँ पर इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी हो गया, क्योंकि रिवर्सिबल एक्शन ये हो रही है, और यहाँ पर मैंने इसका केबल मान लिया ये वाला पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर रेट कांस्टेंट केबल यहाँ पर है, इनटू कितना हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ NO, रिएक्टेंट लेते हैं हम लोग। ठीक है, और इनटू कितना हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ NO। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर रेट लॉ डिफाइन हो चुका है, रेट आर इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट के वन और NOBr2 की कंसंट्रेशन इनटू NOBr कंसंट्रेशन, जैसे कि हम लोग रेट लॉ में डिफाइन करते हैं जब कोई एलिमेंट्री स्टेप दी जाती है। तो और स्लो स्टेप से हमें क्या करना है, एक्सपेक्टेड रेट लॉ डिफाइन करना है। अब जैसे कि हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन तो ये वाली है, अगर मैं इसको कंबाइन करता हूँ दोनों को, ठीक है, तो ये NOBr2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ओनली क्या बचेगा, ऐसे यहाँ से बचेगा 2NO, ये 2NO हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा, Br2 हो जाएगा और क्या बना देगा, 2NOBr ये बना देगा। ठीक है, मतलब हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन ये वाली है। ठीक है, तो अब ओवरऑल रिएक्शन जब ये है तो यहाँ पर रिएक्टेंट कौन है, NO है और दूसरा कौन सा है, Br2 रिएक्टेंट है, और यहाँ पर कौन आ रहा है, NOBr2 आ रहा है और दूसरा NO आ रहा है। मतलब मुझे ये कहीं भी नहीं देखना है, मतलब NOBr2 को मुझे क्या करना होगा, इन टर्म्स ऑफ Br2 या NO कन्वर्ट करना होगा। अब मैं क्या करूंगा, ये NOBr2 को फर्स्ट स्टेप से क्या करूंगा, इलिमिनेट करूंगा। तो जैसे कि फर्स्ट स्टेप क्या है, रिवर्सिबल है, तो इसका मैं KC लिखूंगा, तो KC इक्वल टू कितना लिखा जाएगा, यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, NOBr2। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ NO और Br2। ठीक है, सभी जानते हैं KC कैसे लिखा जाता है, रिवर्सिबल इक्वेशन का। तो अगर मैं किसके लिए सॉल्व करना है, NOBr2 के लिए सॉल्व करना है, क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन में मेरे पास रिएक्टेंट NO और Br2 था, तो मुझे NOBr2 को इलिमिनेट करना है। तो मैं कंसंट्रेशन ऑफ NOBr2 निकालूंगा, तो कितना निकलेगा, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो KC इंटू कितना हो जाएगा, NO हो जाएगा और साथ में कितना है, Br2 है। इतना क्लियर होगा सभी को। अब मैं ये वाले टर्म को कहां रख दूंगा, इस इक्वेशन में रख दूंगा, मैंने इसका इक्वेशन बंद दे दिया। ठीक है, अब R रेट कितना बन जाएगा, रेट R इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट K1 इंटू NOBr2 कितना निकल चुका है, KCNO इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Br2, यहाँ पर लिख देंगे NOBr2। ठीक है, और KC साथ में रहेगा अपने पास, ये KC है और एक NO यहाँ पर भी है, एक NO यहाँ पर मैंने लिख दिया इस तरह से। कंबाइन करेंगे तो मैं क्या लिख सकता हूँ, रेट R इक्वल टू KC इंटू K1। ठीक है,
एन उधर है, एन उधर है, बेस है, पावर क्या हो जाएगी, एड हो जाएंगी, तो एन ओ टू दी पावर कितनी जाएगी, टू, और साथ में कितना है, बी आर टू है। तो मेरा रेट क्या डिफाइन हो गया यहाँ पर, इसको ओवरऑल क्या लिख सकते हैं, कैपिटल के लिख सकते हैं, तो के इंटू कितना होगा, एन ओ की पावर टू, और कितना हो जाएगा, बी आर टू हो जाएगा। अब मैं बोल सकता हूँ ये रेट लॉ गया, तो एन ओ के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितनी आ रही टू, और बी आर टू के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितनी आई वन, तो ओवरऑल ऑर्डर में लिखूंगा, ओवरऑल ऑर्डर वो कितनी हो जाएगी अपने पास, टू प्लस वन, यहाँ पर टू आ रही, ये प्लस वन है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, थ्री, ठीक है, ओवरऑल ऑर्डर थ्री है, और एनओ के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर, और बी आर टू के रिस्पेक्ट में क्या है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। आई थिंक रिएक्शन मैकेनिज्म से कैसे मुझे रेट लॉ डिफाइन करना है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैसे डिफाइन करना है, आ चुका होगा, आप देख सकते हैं। तो आइए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है डिप्लीशन ऑफ ओजोन, तो ओजोन क्या होगा, ओ टू में कन्वर्ट होगा, ठीक है, और इसकी जो स्टेप है वो यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर इसकी जो मैकेनिज्म है, तो मैकेनिज्म को मैं बात करूंगा, तो मैकेनिज्म में मैं पहली स्टेप इसकी दी गई है, फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप में ओ थ्री जो है वो क्या करता है, अपने पास ओ टू और ओ में ब्रेक हो जाता है, नेसेंट ऑक्सीजन बना देता है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ, और स्टेप टू जो है वो ओ थ्री क्या करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन से कंबाइन करके ये अपने पास ओ टू बना देता है, और बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर टू ओ टू बना देगा। ये यहाँ पर फास्ट स्टेप बोली गई है, ठीक है, ये फास्ट स्टेप हो रही है, और ये क्या है, स्लो स्टेप है, सेकेंड स्टेप, और जैसे कि बोला गया है स्लो स्टेप ही क्या होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया आर डी एस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। तो जैसे कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जब हमें मिल जाती है किसी मैकेनिज्म में, तो वहां से हम लोग क्या कर लेते हैं, एक्सपेक्टेड रेट लॉ डिफाइन कर लेते हैं। तो एक्सपेक्टेड रेट लॉ क्या बनेगा इसका, तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ, रेट आर इक्वल टू, इसका मैंने कॉन्स्टेंट मान लिया केवल, तो रेट कॉन्स्टेंट K1 इंटू कितना हो जाएगा, ओ थ्री की कंसंट्रेशन और नेसेंट ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन। अब जैसे कि इस रिएक्शन में कहीं भी नेसेंट ऑक्सीजन नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इस नेसेंट ऑक्सीजन को इलिमिनेट करूंगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इलिमिनेट कहां से होगा, तो फास्ट स्टेप लेके चलो, तो मैंने इसका इक्वम कॉन्स्टेंट KC ले लिया, तो KC इक्वल टू कितना आ जाएगा, ओ टू इंटू ओ इसकी कंसंट्रेशन, ठीक है, और डिवाइडेड बाई कितना रहेगा अपने पास, ओ थ्री की कंसंट्रेशन रहेगा इस टाइप से। अब जैसे कि नेसेंट ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को इलिमिनेट करना है, तो इसको मैं यहां पर ले जाता हूं, तो KC इंटू कितना हो जाएगा, ओ थ्री, ठीक है, तो इसको मैं यहां ले गया, और ओ टू का क्या हो जाएगा, नीचे वाला पार्ट हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई क्या होगा, ओ टू की कंसंट्रेशन, इतना क्लियर होगा, ओके लिए सॉल्व कर लिया। अब ये वाला नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पर रखूंगा, तो टोटल आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, रेट कॉन्स्टेंट K1 और एक KC यहां से मिल जाएगा, O3 यहाँ पर पहले से है, और ये टोटल डम हो जाएगा, तो O3 डिवाइडेड बाई कितना है अपने पास, O2 है, ठीक है, ये बन जाएगा अपने पास, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको नया कॉन्स्टेंट मैंने बोल दिया, तो रेट आर इक्वल टू कितना आ जाएगा सब, रेट कॉन्स्टेंट कैपिटल के बोल दिया, और O3 और O3 यहाँ पर है, पावर सेम है, यहाँ पर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, यहाँ पर टू हो जाएगी, और नीचे से O2 की कंसंट्रेशन ऊपर जाएगी, तो क्या होगा, -1। तो अगर मैं देखूं O3 के रिस्पेक्ट में ये ऑर्डर कितनी आ रही, टू, और O2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितनी आ रही है, -1, और ओवरऑल ऑर्डर की बात मैं करूंगा, तो क्या बनेगा, यहाँ पर ओवरऑल ऑर्डर की बात करूंगा, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1, ठीक है, और O3 के रिस्पेक्ट में 2 और O2 के रिस्पेक्ट में -1 की ऑर्डर ये रहेगी। तो इतना क्लियर होगा कि कैसे हमारी मैकेनिज्म दी जाए, उससे मैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकाल पाऊं, ओके। सो आइए अब इसका एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे इसका क्वेश्चन अपने एग्जाम में आ सकता है। तो जैसे कि क्वेश्चन को इस टाइप से डिजाइन है, मैकेनिज्म ऑफ ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन, रिएक्शन दी है, इसकी जो मैकेनिज्म है तीन स्टेप में प्रोसीड हो रही है, एक फास्ट स्टेप, स्लो स्टेप, फास्ट स्टेप, तीन स्टेप यहाँ पर दी गई है, और पूछा गया है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी, कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर, हमें क्या करना है, स्लो स्टेप ढूंढनी है यहाँ पर, स्लो स्टेप कौन सी है, तो यहाँ पर सेकेंड स्टेप जो है वो क्या है, स्लो स्टेप है। जब भी हमारे पास स्लो स्टेप मिलेगी, तो वही स्लो स्टेप क्या होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, ठीक है, RDS जिसको बोला जाता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब मैं सेकेंड स्टेप से क्या लिखूंगा, एक्सपेक्टेड रेट लॉ लिखूंगा, तो रेट आर इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट मैंने मान लिया के, ठीक है, यहाँ पर अब इसके रिएक्टेंट क्या है, एक्स और वाई टू है, तो एक्स इंटू कितना है, वाई टू है, ठीक है, मतलब इस रिएक्शन का जो तीन स्टेप यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर सेकेंड स्टेप क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिससे कि मैंने क्या लिख दिया, रेट लॉ डिफाइन कर दिया। अब जैसे कि मुझे इस रिएक्शन की ऑर्डर फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रिएक्टेंट यहाँ पर क्या है, एक्स टू है और वाई टू है, हमारे पास वाई टू तो मिल गया लेकिन कैपिटल एक्स नहीं है, इसकी जगह क्या है, एक्स टू है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इतने पार्ट को इलिमिनेट करना पड़ेगा, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ एक्स को मुझे इन टर्म्स ऑफ एक्स टू लाना पड़ेगा। तो मुझे क्या करूंगा, यहां पर मैं कौन सी स्टेप यूज कर लूंगा,
मैं स्टेप जैसे कि एक्स कहां पर है, यहां पर भी एक्स है और यहां पर भी एक्स है अपने पास, लेकिन यहां पर जैसे मैं थर्ड स्टेप को दूंगा तो यहाँ पर वाई आ जाएगा, जो हमारे कहीं भी यहाँ पर वाई नहीं है, वाई टू जरूर है। अब मैं क्या करूंगा, स्टेप वन को लेकर चलूंगा, स्टेप वन फ्रॉम फर्स्ट। तो फ्रॉम फर्स्ट यहाँ पर जो है वो रिवर्सिबल इक्वेशन लेके चलता हूँ, ये रिवर्सिबल रिएक्शन मेरे पास हो रही है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, केसी हो जाएगा। तो केसी इक्वल टू कितना डिफाइन हो जाएगा, पहले मैं क्या लिखता हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इंटू एक्स, प्रोडक्ट को लिखना है, डिवाइडेड बाय क्या करना है रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे एक्स टू लिखेंगे। अब यहां से क्या बन जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू इसका मल्टीप्लाइजर, तो केसी इंटू कितना हो जाएगा एक्स टू हो जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ एक्स आ गया। तो यहां से कंसंट्रेशन ऑफ एक्स निकालेंगे तो कितना आएगा, केसी की पावर कितनी हो जाएगी हाफ, और एक्स टू की पावर कितनी हो जाएगी हाफ। अब एक्स, इस एक्स को मैं इस इक्वेशन में रख दूंगा तो हमारा रेट लॉ डिफाइन हो जाएगा प्रॉपर। तो रेट आर इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट के, यहां पर केसी की पावर कितनी है हाफ और एक्स टू की पावर कितनी है हाफ। ठीक है, और इंटू साफ में कितना है वाई टू है, इंटू वाई टू हो जाएगा, ये वाई टू मैंने सेल, इसकी पावर कितनी है वन। ठीक है, अब ये नया कांस्टेंट बन जाएगा अपना पार्ट, ठीक है, कैपिटल के बोल दिया इसको, तो रेट कांस्टेंट अपना कैपिटल के आ गया, यहाँ पर एक्स टू की पावर कितनी हुई हाफ और वाई टू की पावर कितनी होगी वन। ठीक है, हमें तो ऑर्डर से मतलब है, तो ऑर्डर कितना हो गया इसका हाफ प्लस वन, तो ओवरऑल ऑर्डर मैं लिखूंगा, ओवरऑल ऑर्डर इसका कितना आ जाएगा वो देख सकते हैं, हाफ प्लस वन है तो हाफ प्लस वन इसको करेंगे तो थ्री बाई टू, मतलब कितना हो जाएगा 1.5। हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म के जितनी भी क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें हम लोग क्या देखेंगे, स्लो स्टेप को देखेंगे, स्लो स्टेप जैसे ही आ जाएगा तो हम लोग क्या कर लेंगे, एक्सपेक्टेड रेट लॉ डिफाइन कर लेंगे और फिर मेन इक्वेशन में जाएंगे। मेन इक्वेशन में रिएक्टेंट कौन है, तो रिएक्टेंट यहाँ पर एक्स टू है, वाई टू है, मतलब जो रेट लॉ हमारा एक्सपेक्टेड है वहां पर ये वाले कंसंट्रेशन के टर्म को हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर। ठीक है,